इधर बजा देते हैं। अरे ये हाई फ्री हिंदी क्लास कीनिया में ऐसी जगह पे सुपरमार्केट में या कॉफ़ी पीने, तुम ऐसी जगह कहीं जा रहे हो या रोड पे भी तुम चल रहे हो या टिकट वाली जगह रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे वीडियो बनाना कीनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे को तो रोक लेते थे कितनी बारी, मैंने फिर वो वीडियोस डिलीट ही कर दी, मैंने डाली नहीं। मास्क भाई फिर भूल रखी हूँ, तंजानिया की आदत हो रखी है बड़ी ज़्यादा, मास्क याद ही नहीं रहता। यहाँ पे मेरे को लगता है, पता नहीं यार यहाँ पे क्या है। मैंने एक दिन ना आपको ये पूरी जगह का भी, मतलब किसी दिन कहीं घूमने जा रही होंगी तो मैं इस पूरी जगह का आपको ना समझा दूँगी सीन हिसाब किताब। एंड यहाँ पे बाइक है, बूढ़ा बूढ़ा बाइक जो इंडिया में हम लोग बाइक बोलते हैं, यहाँ पे बूढ़ा बूढ़ा बोलते हैं। तो शायद कुछ लोगों को इंटरेस्ट भी होगा, मज़ा आएगा देख के। ये जो फैक्ट्री है, ये कंपनी है, ये एक इंडियन की है, शायद पार्टनरशिप में है कि नहीं, वो अच्छे से ना मैं इन लोगों से आपको मतलब समझवा दूँगी। हाँ भाई, कुछ दिन पहले वो था, क्या कहते हैं उसको, इलेक्शन था, तो कम से कम 5 दिन बाहर नहीं निकले हम। तो जो यहाँ के उगांडा के लोग थे वो जा रहे थे बाहर, लेकिन मतलब इंडियंस बहुत ही कम बाहर जा रहे थे। मैं तो भाई कहीं भी नहीं गई और इंटरनेट भी बंद हो गया था इसलिए वीडियोस नहीं आई थी, तो उसकी माफ़ी। लेकिन यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं तो यही सीन होता है, तंजानिया में भी यही हुआ था। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। मास्क आ गया भाई, चलो। मैं ना मास्क भूल ही जाती हूँ। हाँ चल, टाउन की तरफ पहुंच गए हैं। एंड उगांडा में तो यार ऐसा लगता है ऑलमोस्ट, वैसे मैं 20 बोलूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मैं खुद 21 साल की, एटलीस्ट 15 साल से भी ज़्यादा पुराना टाइम है ऐसा लगता है। रोड के नज़ारे यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, तो भाई मिट्टी है, कंस्ट्रक्शन पुरानी है, लोग और रहन सहन आप देख ही लो यार, खुद इतनी स्लो लाइफ है यहाँ पे। मतलब आपको लग रहा है कि आप किसी भीड़ भाड़ वाले शहर में हो, नहीं, बहुत बहुत स्लो लाइफ है यहाँ पे। एंड ये गुरुद्वारे के सामने खड़े हम, तो भाई पहुँच गए हम गुरुद्वारा। यहाँ एक झंडा वहाँ पे भी लगा हुआ है, तो अंदर चल के देखते हैं बाकी क्या सीन है। ये तो लिखा नहीं हुआ है कि हेलो सत श्री अकाल, तो भाई ये जनाब सत श्री अकाल बोल रहे हैं, इन्हें पता है सत श्री अकाल क्या होता है। नो एंट्री परमिटेड विदाउट वेयरिंग हम फेस मास्क, ठीक है। एंड यहाँ पे बाहर तो लिखा नहीं हुआ कब का बना हुआ है, अगर कोई अंदर मिला तो मैं पूछ लूँगी। और भाई मेरे को पंजाबी पढ़नी आती है, वैसे यहाँ पे ट्रांसलेशन है तो आप लोग कहोगे कि मैंने ट्रांसलेशन देख ली। श्री गुरुद्वारा राम घड़िया जिंजा, एंड चलो अंदर की तरफ चलते हैं। भाई फोन पे बात कर रहा है, तो मैं मिलवाती हूँ आपको दलपत से, राजस्थान से हैं ये भाई, ये मेरे को होस्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं। बाकी वहाँ का सारा सीन भाई मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो यार एंट्री ऐसी है यहाँ से, एंड पूछना पड़ेगा किसी से कब से है। सत श्री अकाल, कैमरा अलाउ है ना, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बोला कि बाहर वो सन नहीं दिखा मुझे लिखा हुआ, तो यहाँ पे मुझे गुरचरण साहब मिले हैं, मैं उनसे आपकी बात कराती हूँ। वो आपको
इस गुरुद्वारे के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देंगे। तो जी हेलो हेलो सत श्री अकाल। तो थोड़ा इस गुरुद्वारे के बारे में बताइए, एंड आपको अफ्रीका में कितना टाइम हो गया है ये सब थोड़ा बहुत। अफ्रीका में हमें ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो गए। पहले हम केनिया आए थे, नैरोबी, तो 10 साल उधर है, 1981 से 1990 तक। फिर 30 साल इधर युगांडा हो गए, जिंजा में। तो वाओ ये गुरुद्वारे का सेक्रेटरी मैं हूँ। तो गुरुद्वारा तो हमारा बहुत पुराना है, 1934 में बना था ये। ओके बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया, और हाँ हमने जी पूरा मेंटेन किया हुआ जैसा था पहले। युगांडा हाँ जी। में ऐसे हमारे ऑलमोस्ट 10 गुरुद्वारे हैं डिफरेंट टाउन्स में। एंड जिंजा में कितने हैं? जिंजा जिंजा में में एक एक ही है है, और एक ही है। बाकी कंपाला वगैरह इधर है। कंपाला में 3 गुरुद्वारे हैं, हाँ जी बाकी दूसरे टाउन है, बाले है, टोरोरो है, वो दो टाउन हमारे अंडर आते हैं जिंजा के, तो ओके वो हम मैनेज करते हैं। बाकी डिफरेंट गुरुद्वारे डिफरेंट टाउन्स में वो कंपाला वाली कमेटी मैनेज करती है उनको। हाँ जी तो यहाँ पे मतलब जो सिख कम्युनिटी वगैरह रहते हाँ हैं जी वो भी बहुत पुराने हैं और बहुत सारे हैं उगांडा नहीं, में ऑलमोस्ट सेम ही क्या? टाइम पे हैं हम 30, क्योंकि ये नवी गवर्नमेंट जब आई हाँ 1986 में आई थी उसके बाद ही आने लगे हैं सब। ओके पुराने वाले बहुत कम है, मोस्टली 72 में जब ईदी मीने निकाले थे तो सब लोग इंग्लैंड उंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे, इंग्लैंड अच्छा कनाडा, तो उनमें से तो बहुत कम है तो इधर। उसके बाद फिर दोबारा से आने शुरू हुए जब गवर्नमेंट चेंज हुई। हाँ जब गवर्नमेंट चेंज हुई उन्होंने वापस प्रॉपर्टीज इंडियंस को वापस दे दी वो, लेकिन आके इधर कोई सेटल नहीं हुआ, आके प्रॉपर्टीज बेच के वापस चले जाते वापस हैं, चले गए। क्योंकि ओके उनकी अभी नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, तो वो सेटल है यूके में जैसे कनाडा में, तो वो इधर अच्छा आके रहते नहीं है। ओके हाँ यहाँ पे ना जो एक गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडियंस को निकाल दिया था, तो उसके बाद बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे इंडियंस चले गए थे एंड फिर दोबारा से आए जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो यार ये भाई दरवाजे पे लिखा हुआ है सन कब बना था, 21 मार्च 1930 लिखा हुआ है भाई। तो हाँ ये सब यहाँ पे थोड़ी कारीगरी भी कर रखी है। देवी के बने हुए गुरुद्वारे 1930 का इन्होंने बना, बनाया था। 1930 अच्छा का बना हुआ। प्रेसिडेंट 1930 एंटेबे। तो यहाँ पे ये दरवाजे भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और कारीगरी भी भाई बहुत सुंदर करी हुई है। देखो 60 साल हो गए थे इस पार्क के। मेरा नाम ज्ञानी गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह जी जलंधर वाले। आप जलंधर से हैं, तो इन्हें 3 साल हो गए हैं यहाँ पे उगांडा में। अभी थोड़े टाइम तक जाएंगे इंडिया बता रहे हैं। हाँ मई में जाना है। मई में जाना है, सही है। ज्ञानी गुरमीत सिंह जी जलंधर वाले। कोई भी भाई कोई भी पंजाब में मिला इनसे तो बताना। कुछ लोग फॉलो करते हैं मेरे को अमृतसर से, जलंधर से। अच्छा अच्छा हाँ ठीक ओके। तो यहाँ से ऐसे कुछ दिखता है। प्रसादा भाई प्रसाद दिया है सबको ही पता है मेरे को, आटे का हलवा बड़ा पसंद है। तो ये गुरुद्वारा रामगढ़ी है जिंजा है गुरुद्वारे का नाम। हाँ जी और ये क्या लिखा है, श्री गुरुद्वारा गुरुद्वारा रामगढ़िया रामगढ़िया जिंजा। जिंजा हाँ सही है। तो बहुत अच्छा लगा भाई आके एंड सबसे मिलके भी। इधर कितने लोग हैं इस गुरुद्वारे में टोटल, आप लोग पंजाब से कि आप दोनों ही नहीं। हैं बस? मैं तो अकेला ही रहता हूँ यहाँ गुरुद्वारे में। हाँ जी ये तो इनका अपना घर है यहाँ पे, अच्छा ही आप और गुरुद्वारे में अकेले ही मैं हैं, गुरुद्वारे अकेला हूँ। सही है। और एक वो मेरा काम करने वाला है बस, खाली हाँ जी बस वो है। और सिक्योरिटी में हाँ अफ्रीका सिक्योरिटी, से हैं। हाँ ये वो सिक्योरिटी गार्ड हाँ है। जो बाहर मिलते हैं। हाँ सही सही हर संडे को फंक्शन होता है यहाँ पे सत्संग। हाँ सत्संग तो वैसे सुबह रोज शाम होता है, ओके ये संडे को होता है, संडे को संगत आती है, गुरु का लंगर भी होता है संडे को, ओके हर संडे को। संडे को लंगर भी लगता हाँ है। ओके इधर ही हो संडे को? संडे को शायद इधर है। वो कौन सी जगह जाना है? डिपेंड होल जाने का सोच रहे हैं संडे को, बारिश ना हो तो। संडे को हाँ का आ देख जाना लेना आप, संडे को प्रोग्राम है। वो खराब हो जाता है, रोड टाइम क्या खराब हो है? जाती है 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। ठीक है जे इतना ही हुई तो आ जाऊंगी। हाँ आ जाना, हम इधर ही होते हैं लंगर। अगर कोई संगत भी आएगी उनकी भी आज ओके फोटो फाटो देनी है तो दे देना, सही। क्योंकि फिर संडे को तो सभी आएंगे जितने परिवार हैं हाँ यहाँ जी हाँ जी जितने भी सारे हैं इधर पंजाब से सब आते आएंगे हैं। सब। ओके तो भाई कोई जिंजा आएगा तो आ जाना दर्शन करने। जो लोकेशन है या नाम है गुरुद्वारे का वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी। तो वीडियो आ जाएगी 1 हफ्ते तक या तो ये ऐसा गेट है भाई, तो इस तरफ आ गए हम। अरे यार बिट तो नहीं गिर दी कि पानी गिरा है।
नहीं पानी गिरा, शुक्र है पानी गिरा यार, बिट नहीं गिरी। तो यहाँ इस तरफ हम मंदिर की तरफ आ रखे हैं, और मेरे को लगता है यहाँ पे ये इंडियंस ही रह रहे हैं उस फ्लैट्स में। तो यहाँ के नज़ारे भाई ऐसे हैं। क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे भाई महात्मा गांधी जी का स्टैचू भी बन रखा है। एक मिनट दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। ये रहा भाई, ये गांधी जी का स्टैचू है। हुज सेक्रेट एशेस वर इमर्स्ड इन द नाइल ऑन 14th August 1948। तो भाई जो जिंजा है वो सोर्स ऑफ द नाइल भी है, तो वहाँ भी जाना हुआ तो आपको लेके चलेंगे। एंड फिलहाल यहाँ पे घूम ही रही हूँ मैं, और थोड़ा देखते हैं मंदिर की तरफ जाके क्या सीन बनता है। ओह बहुत पेड़ पौधे हैं भाई यहाँ पे, मच्छर मक्खी सब। लेकिन कोई नहीं, अब ऐसी यहाँ तो ज़्यादा सफाई नहीं करी हुई कि पता नहीं क्या कि मौसम ही ऐसा है, बारिश होती है यहाँ पे ज़्यादा इसलिए। तो चप्पलें यहाँ उतारनी है। तो इधर से भाई एंट्री है। ये पेंटिंग है असली ये? हाँ मेरे को भी लग रहा है पेंटिंग है। तो भाई ये पेंटिंग है, एंड इधर कुछ लिखा हुआ है। ये एक और पेंटिंग लग रही है मुझे, ये एक और पेंटिंग है भाई। मेरी आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे इतना खाली। प्लीज़ डोंट टच आइडल्स ऑफ द गॉड। ठीक है, ये डिस्क्लेमर यहाँ पे लग रखे हैं। तो ये घंटी है, इधर बजा देते हैं। यहाँ पे ये पूजा की लाइनें हैं, पाठ की सब कुछ लिख रखा है। लिरिक्स कहते हैं इंग्लिश में। ये गुजराती में लिखा हुआ है। हाँ ये गुजराती है। गुजराती में पता क्या करते हैं, ऊपर से जो हम ये लकीर डालते हैं ना, ये लोग ये लकीर हटा देते हैं बस, बाकी सेम सेम ही है। तेरा स्वामी यही है ना ये? हाँ सेम, आसान है पढ़ना गुजराती को, सिर्फ ऊपर से लकीर हटा देते हैं। तो इतना ये ज़्यादा डिफरेंस है, बाकी थोड़ा मोड़ा ही डिफरेंस है। उधर भाई गणेश जी हैं, इधर हनुमान जी हैं, और इधर इधर कौन है भाई, इतने सारे हैं इधर। बीच में कृष्ण जी हैं, सारे कृष्ण जी हैं। यार पता नहीं, खुद पहचान लेना। 1 2 3 4 5 राम लक्ष्मण सीता जी कृष्ण भगवान राधा, और बीच में है ये, इनको क्या बोलते नाम मेरे को नहीं पता। तो ये नहीं पता यार, ये बहुत सारी मूर्तियां हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी मेन मेन भगवान हैं उन सभी की ये मूर्तियां बना रखी हैं इन्होंने यहाँ पे। अब कुछ लोग कमेंट्स में आ जाएंगे, भाई तुम्हें पता नहीं यार, इंडिया में पता चल जाता है क्योंकि अलग तरीके से बना रखा है। यहाँ पे कपड़े भी सेम पहनाए हैं और सभी सेम दिख रहे हैं, इसलिए पता नहीं चल रहा। अच्छा यहाँ, अरे ये हाई फ्री हिंदी क्लासेस, फोटो लियो ये किसकी फ़ोन में मुझे भेजना। तो क्या कह रही हूँ मैं कि यार यहाँ पे सेम कपड़े बना रखे हैं, बिल्कुल सेम डिटो का डिटो डिज़ाइन कर रखा है उन्हें, इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा। बाकी ये मंदिर था भाई, एंड बाहर ऐसे खुली डुली जगह है। इधर इधर और भी छोटे छोटे मंदिर हैं। कॉफ़ी पीने वाली जगह आ रखे हैं। 3 दिन से मैं रोज़ आती हूँ यहाँ पे, तो बंदा बोल रहेगा भाई ये लोग रोज़ ही कॉफ़ी पीने आ जाते हैं, और इसको पता नहीं कितने दूर से आते हैं, ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर दूर से आते हैं रोज़ कॉफ़ी पीने के लिए। यहाँ पे जगह ऐसी है, मैंने ये जगह कीनिया के वीडियो में दिखाई है कि नहीं? नहीं दिखाई शायद। कीनिया में भी यही ब्रांच थी,
ये केनियन ब्रांच है शायद यार पता नहीं, लेकिन केनिया में इसके बहुत सारे वो थे, ब्रांच थी। नैरोबी में तो हर जगह पे थी ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे जिंजा में एक ही है, तो भाई इधर आ रखे हैं। लेकिन ये चेक हो रहा है टेम्परेचर, तो लेकिन फ़र्क ये है कि केनिया वाली जगह, मतलब केनिया में वीडियोस बनाना ऐसी जगह पे बहुत मुश्किल है। मैंने पता नहीं आप लोगों को उन वीडियोस में बताया कि नहीं यार, मुझे कुछ नहीं याद सच में। लेकिन हाँ, केनिया में ऐसी जगह पे सुपरमार्केट में या कॉफ़ी पीने, तुम ऐसी जगह कहीं जा रहे हो या रोड पे भी तुम चल रहे हो या टिकट वाली जगह रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे वीडियो बनाना केनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे को तो रोक लेते थे कितनी बारी, मैंने फिर वो वीडियोज़ डिलीट ही कर दी, मैंने डाली नहीं। जहाँ भी जाओ तुम्हें रोक लेते थे, शॉपिंग मॉल में जाओ तो सिक्योरिटी वाला कह देता था कैमरा इनसाइड। तो केनिया में ये दिक्कत थी भाई, एंड यहाँ इतना नहीं है, उगांडा में इतना नहीं मना कर रहे, इलेक्शन के टाइम थोड़ा कर देते अगर मैं बाहर जाती, लेकिन अभी मैं जैसे एंटर होगी किसी ने कुछ नहीं बोला, तो उगांडा में ये अभी तक थोड़ा सही है। जल्दी फाइनली कॉफ़ी आ गई भाई, ये रही कॉफ़ी, एंड ये पी रहा है, क्या पी रहा भाई तू? स्ट्रॉबेरी शेक पी रहा है भाई वो। जब तक आप कह रहे हैं उनको बोलने ना जाओ तब तक वो देंगे नहीं आपको, पकड़ के खड़े रहेंगे, जब तक आप आओगे तभी वो देंगे। हाँ, इधर की सर्विस थोड़ी स्लो है उगांडा में जो जावे, लेकिन एनीवेज भाई कॉफ़ी आ गई है। अब देखो मैं चीनी डालती हूँ कॉफ़ी में, कुछ लोग एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं जो बिना चीनी के कॉफ़ी पी लेते हैं, मैं उनमें से एक नहीं हूँ। अभी भाई कॉफ़ी पी के वापस जाते हैं घर, एंड उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहता है। मारेंगी भाई, ओहो हो ओह, जल्दी दिए एक मिनट की।